रामपुर केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत रामपुर के जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के नगर पालिका और नगर पंचायत में स्वच्छता में आगे रहने वाले वार्डों को राज्य सरकार द्वारा घोषित धनराशि इनाम के तौर पर दी गई। जिले की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आने वाली तीनों वार्डों को 11 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए और 5 लाख की धनराशि जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह द्वारा दी गई। जिलाधिकारी ने इस दौरान कहा कि स्वच्छ वार्ड को लेकर स्टेट लेवल की टीम ने भी सर्वे किया था, जिसमें स्वच्छता में सबसे आगे रहने वाले तीन वार्डों को राज्य सरकार द्वारा घोषित धनराशि दी गई और सभी से कहा गया कि वो अपने वार्डों को साफ रखें। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि पूरी कोशिश है कि 10 जनवरी तक खुले में कुआं डालना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सफाई कर्मचारी सुरेश बहुत बहुत बधाई। अब सेकंड पोजीशन पे आ जाए, बहुत बहुत बधाई आपकी कोशिश। इधर ऊपर उसी बार के सफाई नायक श्री राकेश बबलू सफाई कर्मचारी आओ। दिनेश कुमार दिनेश सभी रामपुर की कोई नगर पालिका या पंचायत एटलीस्ट स्टेट लेवल पे है, मेरा ये आग्रह रहेगा। यानी जो भी वहाँ के CEOs है या अध्यक्ष है वो प्रयास जी। डीएम साहब आज मतलब पुरस्कार वितरण का समारोह हुआ है, क्या है स्वच्छ वार्ड स्पर्धा होनी थी जिसमें सर्वे किया गया था, स्टेट लेवल से भी टीम आई थी। उसमें जो वार्ड फर्स्ट है उसके लिए प्राइज कैश प्राइज है अराउंड 11 लाख के आसपास, सेकंड के लिए 7.5 लाख है, थर्ड के लिए 5 लाख के आसपास है, फोर्थ और फिफ्थ के लिए शील्ड ये अवार्ड दिए गया है यहाँ पे। और इन लोग से आग्रह किया गया है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 होने वाला है उसमें रामपुर की नगर पालिकाओं का कम से कम एक नगर पालिका या पंचायत या उससे अधिक आए। जिले में जो जिले में कूड़ा डाला जा रहा है उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? मैं आप देख रहे होंगे, मैं खुद हर डलाव में खुद जा के निरीक्षण कर रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि 10 जनवरी के पहले सारे डलाव में बाहर खुले में कूड़ा ना। आज निर्देश जिनको आपने सम्मानित किया है आग्रह किया गया है सर, जैसे गाड़ी सवार में आई है ऐसे रामपुर जिले में भी आई, वो अध्यक्ष की उन CEO की अपनी मांग है जी, वो मांगेंगे देंगे पैसा।